हेलो। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच भारत को तीसरा बड़ा विकेट गंवाना पड़ा है। दरअसल दूसरे सेशन का विराट कोहली और हनुमा विहारी के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, उस साझेदारी को पूरे तरीके से तोड़ा यहाँ पर लसित इमुलदेनिया ने, जो कि श्रीलंका के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक फिलहाल माने जाते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली जो कि 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर थोड़ा सा घुमावदार गेंद डाली और ज़बरदस्त तरीके से विराट कोहली को यहां पर आउट किया। 76 गेंदों में 45 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे विराट कोहली को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार किस तरीके से उनकी गिल्लियाँ बिखर गई। वहीं दूसरी तरफ आज जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर कप्तान कोहली, ऐसा लगा कि शायद आज वो शतक ज़रूर बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर सेटबैक उन्हें मिला है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल ऋषभ पंत और हनुमा विहारी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विहारी यहाँ पर 57 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं ऋषभ पंत आए हैं 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने और हनुमा विहारी के साथ एक अच्छी साझेदारी पनपाने का पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से एक बड़े स्कोर तक जाती है, लेकिन लसित इमुलदेनिया ने एक अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन विकेट उन्होंने यहाँ पर हासिल की और विराट कोहली की जो विकेट यहाँ पर मिली है वो वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर इमुलदेनिया के लिए है। वहीं दूसरी तरफ भारत की कोशिश यही होगी कि इस टर्निंग ट्रैक पर कम से कम 350 से 400 रन बोर्ड पर लगाए जाएँ, ताकि भारतीय टीम को इसका पूरे तरीके से फायदा मिलता नजर आए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।